नमस्कार, बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने बिजनेस की कुछ ऐसी टिप्स ऐसी ट्रिक्स लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, खेती बाड़ी के अलावा एग्री प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। हालांकि इसमें सफल वही होता है जिसे इसकी जानकारी होती है। अगर आपको खेती बाड़ी की बेसिक जानकारी है और गांव में कुछ कनेक्शंस है तो आप अच्छे ढंग से इस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। आज हमारे पास ऐसे हजारों युवाओं के एग्जाम्पल है जिन्होंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर आज एग्रीकल्चर बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा रही है। आपके पास अच्छा मौका है। आप एग्रीकल्चर बिजनेस से हो रहे एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोग्राम में हिस्सा लेकर आप एक अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में हिस्सा लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप खेती से जुड़े अलग अलग बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एग्री बिजनेस से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी दी जाएगी। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यह किस तरीके की ट्रेनिंग देगा और आप इस ट्रेनिंग में कैसे शामिल हो सकते हैं। पहले आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसा कि क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसके फायदे क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की मार्केटिंग क्या है और इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। साथ ही सरकार की स्कीम और सपोर्ट सिस्टम, भारत सरकार के असिस्टेंट प्रोग्राम आदि की जानकारी दी जाएगी। दूसरी, आपको डेयरिंग बिजनेस के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी जाएगी। इसमें डेयरी लगाने से लेकर चलाने तक की पूरी गाइडेंस दी जाएगी। साथ ही आपको सरकार के सपोर्ट सिस्टम और स्कीम के साथ साथ और उसकी काफी जानकारी दी जाएगी। डेयरी बिजनेस में सफल स्टॉक के बारे में, स्टडी के बारे में NSP द्वारा कुछ बताया जाएगा। तीसरा, आपको फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी और उसके अलग अलग मॉडल के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, छोटा फूड प्रोसेसिंग प्लांट कैसे लगाएं, फूड प्रोसेसिंग ब्रांड कैसे क्रिएट करा जाए, सरकार की स्पोर्ट स्कीम के बारे में बताया जाएगा। साथ ही आपको सक्सेसफुल की केस स्टडी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। चौथा, आपको कोल्ड स्टोरेज चेन खोलने के फायदे और तरीके सरकारी स्कीम के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि देश में कोल्ड स्टोरेज चेन की सख्त जरूरत है और सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। ऐसे में आप भी यह ट्रेनिंग लेकर कोल्ड स्टोरेज चेन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, पॉल्ट्री फार्मिंग और अन्य बिजनेस की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों, यह 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 16 व 17 जून को निस्बिट के नोएडा सेक्टर 62 में स्थित सेंटर में होगा। इस प्रोग्राम की फीस 7,000 रुपए है। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई और सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।